कि आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमेश मिश्रा जी के साथ आपका भाई सुबह से ही शासन में पैरवी में और अन्य लोगों से मिल रहे थे। साथ में लखनऊ से प्रदीप सिंह जी थे और पूरे दिन शासन सरकार, और आज एक बड़ी बैठक लखनऊ में हुई है जिसमें एक मोर्चे का गठन किया गया है जिसका नाम शिक्षक शिक्षा में अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा नाम दिया गया है। उसमें बहुत सारे बड़े निर्णय हुए हैं, उसमें शिक्षा मित्रों के हितों के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए उन प्रस्तावों पर महागठबंधन या मोर्चा द्वारा उस पर सहमति जताते हुए हम लोगों की मांगों को प्रमुख रूप से उस मांग पत्र में रखा जाएगा और इस विषय को आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सभी शिक्षा में साथी इस पर जुड़े और इस संदेश को एक एक शिक्षा मित्र साथी तक पहुंचाएं, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस का जो बवाल अधिकारियों द्वारा हम लोगों को दिया गया है उसमें शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों का भी बहुत नुकसान है, जो 70-80 किलोमीटर जा करके 10,000 रुपये में कैसे पेट्रोल डलाते हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं और कैसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष है, मैं निवेदन करूंगा कि सुबह से लेकर के आज पूरे दिन की कार्यवाही संगठन द्वारा जो की गई है आपको विस्तार से बताएं और आप सभी लोग इस संदेश को एक एक शिक्षा मित्र तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, हमारे सभी जाबाज पदाधिकारीगण, प्रांतीय, जनपदीय, मंडलीय, ब्लॉक स्तरीय और सभी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो में आप अंत तक बने रहें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सक्रिय साथी, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नेतृत्वकर्ता होने के नाते कल से ही हमारे पास बहुत फोन आ रहे थे, तमाम संगठनों के फोन आ रहे थे और सबके बात को आत्मसात करते हुए आज हम लोग सुबह से लखनऊ में चल रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने अपने पत्रावली और अपने समस्या के विषय में शासन में जाकर के विशेष सचिव श्रीमान अवधेश त्रिपाठी जी से बैठ करके काफ़ी देर तक वार्ता किया और तमाम चीज़ों की संज्ञानित उनको किया और उनकी पटन की जो भी समस्याएँ थी उससे अवगत होकर के पुनः हम लोग शासन में कई और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों से मिल मिला के 3 बजे से एक बैठक थी जो सभी संगठनों की थी, उसमें हम लोग गए। अभी मुझसे तमाम साथियों ने इस बात का अनुरोध भी किया और उनका कोई व्यंग भी था कि शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करके हमको क्या मिला। साथियों, बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक संगठनों के साथ, ठीक है, ऑनलाइन हाजिरी का प्रकरण था, उसमें शिक्षा मित्र भी था, अनुदेशक भी था, शिक्षक भी थे, सभी लोग थे और आज जो एकता देखने को मिली लोगों की उसमें शिक्षा मित्र भी शामिल था, अनुदेशक भी शामिल था। तो जब मोर्चे के लोगों ने हमें फोन किया तो मेरा जाना वहां वाजिब था और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की बात को प्रमुखता से उठाना भी हमारा वाजिब था और हमने जाकर के उस मुद्दे को वहां उठाने का और फोरम पर लाने का काम किया। मैं पूरे प्रदेश के शिक्षकों से आह्वान करता हूं और हमने वहां प्रतिनिधियों से आह्वान भी किया है कि अगर मैं आपके साथ हूं, जब जब भी शिक्षा मित्रों की आवश्यकता हमारे शिक्षक साथियों को पड़ी तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों ने पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ आपकी मदद करने का काम किया है, चाहे विद्यालय संचालन में हो, चाहे विद्यालय सहयोग में हो और चाहे आपके संघर्ष में, चाहे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा रहा हो। आदरणीय दिनेश चंद शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, ने हमसे वार्ता किया, हम लोग मिले और उन्होंने कहा छोटे भाई हम लोग मिल करके लड़ेंगे। मैंने उनके बात को आदेश के रूप में स्वीकार करके और 2021 के आंदोलन को बड़े फोरम पर ले जाने का काम किया। आदरणीय एसपी तिवारी जी का जब भी आदेश निर्देश हुआ उनके साथ कर्मचारी महासंघ संयुक्त परिषद में भी लड़ने का काम किया। आज जो मोर्चा बना उसमें जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, महिला प्राथमिक शिक्षक संघ, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ
और अंतर जनपदीय बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ तमाम संगठनों के लोग और अनुदेशक के साथ ही अटेवा के आदरणीय विजय बंधु जी सभी लोग।